नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर द नॉलेज टीवी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे HTML में टेबल क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल की हेल्प से हम डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाटा टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, लिंक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम हर तरह के डाटा को टेबल में शो करा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक टेबल में रोज, कॉलम्स और सेल्स होते हैं। तो टेबल के इन खड़े खानों को कॉलम कहा जाता है। दो वर्टिकल लाइंस आपस में मिलकर एक कॉलम का निर्माण करती हैं और टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन से बने खानों को रोज कहा जाता है और रोज और कॉलम आपस में मिलकर सेल्स का निर्माण करते हैं। तो HTML टेबल में जो एक्चुअल डाटा है उसको सेल्स में ही डिफाइन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे HTML में टेबल क्रिएट किया जाता है और कैसे इसमें डाटा इंसर्ट किया जाता है। तो HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल टैग के अंदर ही हम कुछ और HTML टैग्स का उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए हमने स्टूडेंट डिटेल्स पर इस तरह का एक टेबल क्रिएट करना है। इसमें चार रोज और पांच कॉलम्स हैं। तो टेबल में हर एक रो को क्रिएट करने के लिए TR टैग का यूज़ किया जाता है। TR टैग टेबल रो को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने एक पाँच रोज वाला टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए पाँच TR टैग का यूज़ किया जाएगा और टेबल हेडिंग के लिए TH टैग और टेबल डाटा के लिए TD टैग का यूज किया जाता है। तो अब TR टैग के अंदर टेबल हेडिंग के लिए TH टैग का यूज करेंगे। पहला हेडिंग है स्टूडेंट नेम, तो TH टैग के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट नेम। जैसा कि हम जानते हैं HTML में जो भी टैग ओपन होता है क्लोज भी होता है, तो TH टैग को क्लोज कर देंगे। ये है फर्स्ट हेडिंग। तो हर एक कॉलम हेडिंग के लिए नया TH टैग यूज किया जाता है। तो अब TH टैग, दूसरा हेडिंग है रोल नंबर और TH टैग को क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से टेबल के हेडिंग को ऐड करते जाएंगे। थर्ड हेडिंग है क्लास, फोर्थ है डेट ऑफ बर्थ और फिफ्थ है जेंडर। इस तरह से अगर आपको ज़्यादा कॉलम वाला टेबल क्रिएट करना है तो आप और भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो TR टैग को यहीं पर ही क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो क्रिएट हो गया है। हमने TR टैग को ओपन किया था, उसके अंदर टेबल के लिए हेडिंग क्रिएट किए और फिर TR टैग को क्लोज कर दिया। अब फाइल को सेव कर देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं table.html। अब इस फाइल को रन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे टेबल का फर्स्ट रो क्रिएट हो गया है हेडिंग वाला। तो थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए हम इसको बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से एक पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 pixel। ये देखिए इस तरह से। अब टेबल के सेकंड रो के लिए फिर से TR टैग ओपन करेंगे। तो सेल में डाटा एंटर करने के लिए TD टैग का यूज़ किया जाता है। तो पहला हेडिंग है स्टूडेंट नेम, तो इसमें नेम लिख देते हैं राहुल और TD क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट सेल के लिए TD ओपन कर देते हैं, रो नंबर डाल देते हैं 101 और TD क्लोज कर देते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेल में क्लास 10th, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कोई भी, लास्ट में जेंडर मेल, TD क्लोज और TR टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड रो भी क्रिएट हो गया है। इसमें हमने TR टैग के अंदर टेबल डाटा के लिए TD टैग का यूज़ किया। अब पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से टेबल का जो सेकंड रो है वो भी क्रिएट हो गया है। तो अब बाकी रोज के लिए मैं TR टैग को कॉपी कर देता हूँ और ये के करके इसमें वैल्यू एंटर कर देते हैं। तो अब थर्ड रो के लिए निशा 102, क्लास में डाल देते हैं 9th, डेट ऑफ बर्थ
26/07/2005 फीमेल। नेक्स्ट अक्षित 103/10+2/14/08/2003 मेल। इसके बाद मुस्कान 104/10+1/16/02/2004 फीमेल। तो ये देखिए हमारे सारे रोज क्रिएट हो गए हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमारा पूरा टेबल क्रिएट हो गया है। ये तो हुआ टेबल। अब इसके बाद बात करते हैं टेबल एलिमेंट के कुछ महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट तो हमने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है। अब अगर टेबल की विड्थ स्पेसिफाई करनी हो तो उसके लिए विड्थ एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। विड्थ को परसेंटेज या पिक्सल में लेते हैं 70%। तो ये देखिए टेबल की विड्थ 70% हो गई है। अब अगर आपने टेबल के सेल्स के बीच में स्पेस देना है तो उसके लिए सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है और इसको लेते हैं पिक्सल में 10 पिक्सल। तो ये देखिए सेल्स के बीच में स्पेस आ गया। इसी तरह से अगर आपने सेल बॉर्डर और उनके कंटेंट्स के बीच में स्पेस देना हो तो उसके लिए सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। इसको भी पिक्सल में लेते हैं 10 पिक्स। ये देखिए बॉर्डर और उनके कंटेंट्स के बीच में स्पेस आ गया। अगर आपने टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो इसके लिए बिजी कलर एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। बिजी कलर कोई भी कलर लेते हैं जैसे रेड, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया है। और अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप टेबल को लेफ्ट, राइट या सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। अलाइन सेंटर, ये देखिए आपका टेबल सेंटर में अलाइन हो गया है। इसी तरह से आप टेबल के डाटा को भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलाइन एट्रीब्यूट का यूज टीआर टैग के अंदर करना होगा। यहाँ पे ये देखिए ये वाला रो का डाटा सेंटर अलाइन हो गया। इसी तरह से आप हर रो के डाटा को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एस टेबल में ये टेबल क्रिएट किया और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को भी यूज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।